Hello everyone, you all are welcome to my channel Study with Honey. Today we will discuss a very important topic, that is what is the exact sound of C. It is ka or sa, यानी कि C की जो sound होती है English alphabets में वो क्या होती है. Lot of time you can see that the sound of C is ka, or lot of time you can observe the sound of C is sa. So what is exact sound? So we will discuss in the detail in this video. If you like this content, please watch my channel continuously, like my video and subscribe my channel also. Okay, so it is very easy to understand. Simply it depend on the vowel which followed C. Yes, exactly. यानी कि जो आपका C का sound होता है वो depend करता है उस पर, यानी कि जो vowel उसके बाद आ रहा होता है. अगर आप देखें तो vowels, we have 5 vowels in English alphabet series, A, E, I, O, U. Okay, so 3 vowels are here, A, O, U. अगर आपकी सी जो है अगर वो लिखी हुई है और सी के बाद आपका ए ओ और यू, इनमें से अगर कोई भी अल्फाबेट आ रहा है, दैट मींस सी की जो साउंड होगी वो उस समय पर का कंसीडर की जाएगी. ठीक है, तो यहां पर हम कुछ वर्ड्स मैंने यहां पर लिस्ट किए हैं, उन वर्ड्स को हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार. जैसे कि कैट, सी ए टी कैट. कैट में आप देखेंगे आपने इस यहां पर बोला का. क्यों बोला आपने का? क्योंकि यहां पर ए है और इन तीनों में से अगर कोई भी वॉवल अगर सी के बाद आ रहा है तो आपको यहां पर सी की साउंड जो है वो का कंसीडर करनी है, ना कि सा. ठीक है, तो बाकी के एग्जांपल्स देख लेते हैं. सी ओ टी कॉट एंड सी ए पी कैप, सी ए एम ई एल कैमल, सी ओ टी टी ए जी ई कॉटेज, सी ए पी ए बी एल ई कैपेबल, कैंप सी ए एम पी कैम्प, सी यू पी कप, सी यू टी कट एंड सी ओ यू एन टी ई आर. कोई भी वर्ड अगर आप देखेंगे तो आप एग्जैक्टली ये वाला जो लॉजिक है आप इसको लगाकर चेक कर सकते हैं. बिल्कुल यही रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में कि अगर सी के बाद ए ओ और यू आ रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी अगर सी को फॉलो कर रहा है, इट मींस सी की जो साउंड होगी वो उस टाइम पर का हो जाएगी. अब बात करते हैं सी की साउंड सा कब होती है. सी की साउंड सा होती है जब हम आई और ई उसके बाद आ रहे होते हैं, यानी कि आई और ई में से कोई भी एक अल्फाबेट, उनको कोई भी एक वॉवल उनको उसको फॉलो कर रहा होता है. तो यहाँ एग्जाम्पल्स हम चेक कर लेते हैं. सेरेल्स, सी ई आर ई ए एल एस, यानी कि आप ये देखिए कि सी के बाद ई आया, यानी सी को ई ने फॉलो किया, तो इसीलिए हमने इसे यहां पर बोला सा. एग्जैक्टली हेयर इन द नेक्स्ट वर्ड ऑफ सिनेमा, सी आई एन ई एम ए, सी के बाद आई आ रहा है, इसीलिए यहां पर हमने इसको सा बोला है, ना कि का बोला है. सिनेमेटोग्राफी, अगेन आई फॉलोड सी, सो वी आर सेइंग इट सा, सा कह रहे हैं हम इसको. सेंट्रल, सी ई एन टी आर ए एल, सी ई एन टी आर ए एल. ठीक है, तो अगेन यहां पर ई आ रहा है, ना कि इनमें से कोई आ रहा है, ए और यू नहीं आ रहे, यहां पर ई आ रहा है, तो यहां पर इसे सेंट्रल बोलेंगे, सा बोलेंगे. सेलिब्रिटी, अगेन ई फॉलो सी. हेयर अगेन सीमेंट, सिविलाइजेशन एंड सर्कमस्टेंसेस. ओके, सो वेरी वेरी इजी टॉपिक इज इट इज टू अंडरस्टैंड. जो सी की साउंड होती है वो डिपेंड करती है वॉवल्स की पोजीशंस के ऊपर. वॉवल जो भी उसे फॉलो कर रहे होते हैं, 5 में से 3 वॉवल्स ऐसे होते हैं, यानी कि ए ओ और यू, जब वो उसे फॉलो करते हैं, ए ओ और यू इनमें से कोई भी एक अगर वॉवल सी को फॉलो करता है तो उसका साउंड, यानी सी का साउंड उस टाइम पर का होता है, और अगर आई और ई में से कोई भी एक वॉवल सी को फॉलो कर रहा होता है तो उस टाइम पर सी का साउंड जो है वो सा हो जाता है. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी. ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.